गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस की। सीबोरिक डर्मेटाइटिस होती क्या है और उसका कैसे इलाज किया जाए, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है मोस्ट कॉमनली स्कैल्प पर होती है। स्कैल्प मतलब सर, खोपड़ी पर, तो वहां पे होती है इसलिए कि वहां पे पसीना ज्यादा बनता है, सीबम ज्यादा बनता है। तो पसीना ज्यादा बनता है तो एक फंजाई होती है, उसका नाम है मेलेसीजिया, उसी की ग्रोथ हो जाती है। जब फंजाई की ग्रोथ हो जाती है तो बॉडी की इम्यूनिटी उस फंजाई को नष्ट करना चाहती है। मान लीजिए यही स्किन है ना, ये स्किन है, इसके ऊपर जब फंजाई ग्रोथ करेगा तो इस स्किन के उस भाग पर जहां पे फंजाई ग्रोथ किया है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसी को डर्मेटाइटिस बोलते हैं। देखिए, जिसमें आइटिस लगा हो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो अगर डर्मिस का इन्फ्लेमेशन है तो इसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। क्यों हो रहा है? एक मेलेसीजिया नाम की ईस्ट इस पे ग्रोथ कर गई है। तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो चाहती है कि ये जो ग्रोथ हो रही है ईस्ट की, ये खत्म हो जाए। ईस्ट की ग्रोथ खत्म हो जाए लेकिन कर नहीं पाती है। जब कर नहीं पाती है तो स्केल बनाने लगती है, पपड़ी जैसा बनाने लगती है। स्केल बनाती है, उसमें से कुछ मॉइस्चर, नमी जैसा भी निकलता है, इचिंग ये सब तो होती ही होती है। तो इस तरह से डर्मेटाइटिस के मेन यही सिम्टम्स है कि स्केल बनता है, सफेद सफेद उस पे से निकलता है स्केल जैसा। तो स्केल जैसा निकलता है, इस वजह से निकलता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ईस्ट को, यानी जो फंजाई है उसको नष्ट करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। तो यही होती है डर्मेटाइटिस। मोस्टली ऐसे एरिया में पाया जाता है जहां पे हेयर होते हैं, क्योंकि हेयर होता है तो हेयर का फोलिकल होगा और सीबम पसीना बनाता है, और इस वजह से इन्फेक्शन की संभावना उस पोर्शन में बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा देखा जाता है स्कैल्प पर। तो इस तरह से जो डर्मेटाइटिस है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, उसको खत्म करने का या फिर उसको इलाज करने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तरीका है कि उस पे जो फंजाई की ग्रोथ हो रही है उसको आप कोई एंटमेंट लगा दें, एंटी फंगल क्रीम लगा दें, खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप एंटी फंगल क्रीम से इसको खत्म कर देते हैं, फंजाई इस पे खत्म हो जाएगा, तो जो अभी फंजाई है वही खत्म होगा। आपने इसको हटा दिया, फिर कुछ समय बाद फिर फंजाई आके इस पे ग्रोथ कर सकता है, तो एंटी फंगल क्रीम लगा के हटा सकते हैं आप। और दूसरा तरीका यह है कि इम्यूनिटी को सपोर्ट करें। जो डर्मिस है, जो स्किन है, जो त्वचा है, उसकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करें। तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो जाएगी, तो डर्मेटाइटिस के जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी है, उससे निजात पाई जा सकती है। तो इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मेडिसिन तो कई ढेर सारी हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीके से जो यूज की जाती हैं और वो ये है, देखिए बायो कम्बिनेशन 20 नंबर। ये जो बायो कम्बिनेशन 20 नंबर की टेबलेट्स है, आप इसकी 4 टेबलेट्स लीजिए जीप पर सुबह और शाम को। 4 टेबलेट्स जीप पर सुबह शाम लीजिए, या फिर गुनगुने पानी में घोल के आप भी पी सकते हैं आप। तो इस बायो कम्बिनेशन 20 नंबर की। और दूसरी दवा है साइलेसिया 3x पावर की, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा साइलेसिया 3x पावर की। इसका 4 टैबलेट्स दोपहर और रात को लीजिए, तो जीप पर रखिए, जीप पर ही गलने दीजिए, या फिर गुनगुने पानी में घोल के भी ले सकते हैं। तो इसको दोपहर और रात को लेना है और 20 नंबर को सुबह और शाम लेना है। तो इन दोनों दवाओं से जो स्किन है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो जो ईस्ट मेलेसीजिया ग्रोथ हो रहा है उसको ग्रोथ होने का चांस नहीं मिलेगा, और आप इस तरह से सीबोरिक डर्मेटाइटिस से निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक बीमारी के बारे में जाना, उसका इलाज क्या है। तो इस तरह से अगर ये बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा कि आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा और आप नए वीडियो से भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।